ईमान, चलो एटलीस्ट मेरा नाम तो याद है तुम्हें। जहां से आई हूं वहां शायद वापस ना जा सकूं, मगर मुझे तुमसे आज एक सवाल पूछना था। मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या हासिल कर लिया तुमने? अम्मा को पता है कि तुम यहाँ आई हो मेरे पास? मैं बहुत दिन पहले वो घर छोड़ चुकी हूँ। कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ, मगर मैं बहुत कुछ जानती हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी परेशानी में इजाफा हो जाएगा। बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, कभी खबरों में, कभी लोगों से। लगता है शादी रास नहीं आती तुम्हें। तुम यहां रात के इस पहर ये कहने आई हो मुझसे? नहीं, मैं यहां सिर्फ ये देखने आई हूं कि दूसरों की जिंदगी का सुकून बर्बाद करने वाला क्या खुद सुकून में है। जवाब मिल गया मुझे। कहां जा रही हो? पता नहीं। देखो रात बहुत हो गई है, रात रुक जाओ, सुबह चली जाना। नहीं, मैं जिद नहीं करना चाहता, फिर तुम कहोगी बदतमीज इंसान हूं मैं। जानता हूं तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता कायम नहीं है, पर एक नाता ऐसा है जिससे छुटला नहीं सकती तुम। कजन हो मेरी, चाचा की बेटी, इसी नाते से कह रहा हूं आज रात रुक जाओ, सुबह चली जाना। वैसे भी दिख रहा है कि अंदर बहुत कुछ दबाए बैठी हो, बहुत कुछ कहना चाहती हो, तो क्या बुराई है अगर दो लोग एक दूसरे के सामने अपने दिल का हाल कहते हैं? मन हल्का हो जाएगा ना। असलम साहब, मैडम को गेस्ट रूम में ले जाए। सही बीबी।